आचार्य जी, सम्मानीय मंच और मेरे स्टाफ साथियों, प्यारे बच्चों, आज जो मेरा सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम हो रहा है वो 2 महीने पहले होना था, लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण यह आज हो रहा है। विशेष तौर से इस अवसर पर मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ कि रात दिन मेहनत करें और अपने जीवन में सफलता हासिल करें, ईमानदारी से अपना कार्य करें और आप सरकारी या निजी कोई भी क्षेत्र में जाएं, लेकिन ईमानदारी से कार्य करें, अपने वेतन और वतन के प्रति पूर्ण रूप से वफादारी रखें और अपना जीवन सफल बनाएं। और आज मेरी 39 साल की सेवा हो गई है, क्योंकि 38 वर्ष 9 माह ये सरकारी सेवा है, उसके अलावा 3 माह मैंने प्राइमरी स्कूल में सेवा की, फिर मैंने अपने पद से इस्तीफा देकर मिडिल और सीनियर में चला गया। तो लगभग 39 साल की सेवा में स्थानीय विद्यालय में 9 वर्ष 1 माह रहा। यहाँ पर मैंने विद्यालय को अपना परिवार और स्टाफ साथियों और बच्चों को विद्यालय को अपना घर और स्टाफ साथियों और बच्चों को अपना परिवार समझा, और मैं पूरे स्टाफ ने पूर्ण रूप से मेरा सहयोग किया। और जो 39 साल की मेरी सेवा में जो 9 वर्ष डांगीवास में बिताए, मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन का यह स्वर्ण काल होगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति या बड़ी बात नहीं है। पूरा स्टाफ ने तन मन धन से हर तरह से मेरी सहायता की, एक भी स्टाफ नहीं ऐसा बचा कि जिसने मेरी सहायता नहीं की। और अब मैं ये कहना चाहता हूँ स्टाफ से कि गलती से या भूलवश मेरे से कोई दो शब्द या कट्टू शब्द आपको कह दिया है तो अपना बड़ा इस भाई समझ या जगदीश जी अपना गुरु समझ कर क्षमा करना। धन्यवाद।